हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये फर्राटे की 24 स्लॉट मोटर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके का ये फर्राटा है। ये 24 स्लॉट की मोटर है। इसकी बाइंडिंग मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी तीन जो रनिंग कॉइल होती हैं वो मैंने डाल दी हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये बीच में हमने दो स्लाटों का गैप रखा हुआ है ये, और जो फर्स्ट है 1 से 4, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 1 से 4 हमारी डबल है, और 1 से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 हमारी 3 बार डली हुई है रनिंग की, तो इसको हम देखेंगे। और जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वायर, ये यहाँ पे देख सकते हैं 31 नंबर और 33 नंबर यहाँ पे डला हुआ है। 31 नंबर जो है वो 300 ग्राम है, जो कि रनिंग वायर है हमारी रनिंग की, और जो 33 नंबर है वो 200 ग्राम है, जो कि स्टार्टिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 318 की है, 212 की है, 530 रुपये की रनिंग और स्टार्टिंग वायर यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो इसमें हमारा जो फर्मा था इस पर ये इतना बड़ा है नहीं कि जिससे हम इसमें कनेक्ट कर सकें, तो हमने ये एक डंडा ले रखा है यहाँ पे, एक इसमें हम इस कॉइल को बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका साइज लेने के लिए हमने इसकी पुरानी वाली जो वायर होती हैं उसके हिसाब से हमने इसका साइज लिया हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमारी ये बनी हुई है कॉइल। और इसको किस तरीके से डालेंगे वो वीडियो में बने रहें। ये देख सकते हैं, तो हम इस पर वायरों को डाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हम पहले जो इसके यहाँ पे कनेक्शन है, कनेक्शन सारे एक साइड निकालेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह हमने कनेक्शन निकाले हुए हैं सारे। तो मैं इसको इसी तरफ लेता हूँ, इसको यहाँ से इस तरीके से डालता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दो का गैप करके डालना है, ये इस तरीके से, और इसको डालूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी ये लास्ट कॉइल रह गई है। तो देख सकते हैं, हम एक जो हमारी जिसमें तीन जाएंगी, ये दो हमने साइड में छोड़ दिए हैं। स्टार्टिंग होती तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते थे, अब हम इस पर और इस पर नहीं डाल सकते। बीच में दो भी छूटी हमारी, ये पहला हमारे स्लॉट में जाएंगे डबल, इसमें जाएंगे तीन टर्ने, तो किस तरीके से जाएंगी वो देखते रहें। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से इधर को घुमाता हूँ, इस साइड को इस तरीके से, ये इधर घुमाया, ये मेरी सिंगल पड़ गई है, और मैं इसके बाद ये डबल डाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं, मेरी डबल डल गई है, ये पेपर हो गया। उसके बाद हम इसको इसमें पेपर लगा देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लगा दिया है। अब ये हमारी डबल डल चुकी है, अब हम इसमें 3 बार इसको बाइंड करेंगे यहाँ पे।
ये देख सकते हैं एक बार मेरा हो चुका है, और ये यहाँ पर दो बार हो गया। उसके बाद हम जो यहाँ पर इसको बांध रखा है इसको यहाँ पर खोल देते हैं। ये उसके बाद हम इसकी लास्ट कॉइल को इस तरीके से डालते हैं। ये डाल दिया, उसके बाद मैं पेपर काट लेता हूँ थोड़ा। ये जो लंबी तार हो रही है इसको यहीं पर आप कहीं पे भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको ऐसे घुमा लेते हैं और इसको एक शेप दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये बन चुकी है, रनिंग कॉइल इसमें डल चुकी है। अब हम इसके बाद स्टार्टिंग कॉइल देख बना के देखाता हूँ, फिर देखते हैं स्टार्टिंग कॉइल किस तरीके से डल रही है। बाकी स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ मेरे पास ये है, ये मैंने इसका जो पुराना तार था उसको ही स्टार्टिंग और रनिंग दोनों को ही रख लिया था। इससे मैं नाप करके फिर उसके बाद दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारी जो स्टार्टिंग कॉइल है वो बन रही है, जिसकी टर्ने हैं वो 130 हैं, रनिंग की 115 टर्ने थी इसमें, और साइज़ इसका हमारी पुरानी वाली वायर से लिया गया है जो इसकी पुरानी कॉइल डली हुई थी। तो ये कॉइल बनेंगी इसमें चार कॉइल, यहाँ पे ये रनिंग की डल चुकी है, अब स्टार्टिंग की डलेगी। स्टार्टिंग की जो डलेगी दोस्तों वो डलेगी यहाँ पे सिंगल, ये सिंगल और तीन, सिंगल और ट्रिपल डलेगी हमारी स्टार्टिंग कॉइल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी रनिंग तीन बार डली है, ये दो बार डली है, यानी जो स्टार्टिंग होगी, यानी जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी यहाँ पे सिंगल डलेगी तो ये भी तीन हो जाएगी, और यहाँ पे डलेगी तो ये भी तीन हो जाएगी, तो तीन तीन की हमारी सारी बन जाएगी। तो कॉइल बना लेते हैं फिर मैं डालते हुए दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल बना ली है, ये अब मैं इसको डाल रहा हूँ, किस तरीके से डलेगी वो देखते रहें, सपोर्ट कर ऊपर से। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो इसकी स्टार्टिंग कॉइल डलेगी यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं अंदर, जो इसकी पहली वाली थी ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो रनिंग वाला का हमारा जो फर्स्ट वाली गई थी जो डबल, एक इसके ऊपर डालेंगे, ये डबल के ऊपर डालेंगे ये सिंगल, तो ये डबल अब हमारी तीन हो गई हैं, ट्रिपल बन गई है। तो इसको मैं पेपर डाल लेता हूँ, ये देख सकते हैं, और यहाँ से जो हम डालेंगे
इसके डबल ये, बीच में दो का गैप आ गया, एक दो, और इसमें हमारी डबल यहाँ ये थी। अब ये हमने ये डाली स्टार्टिंग, तो ये हमारी हो गई है ट्रिपल। ये हमारी हो गई है दोस्तों पूरी की पूरी ट्रिपल। ये अब हम इसमें डालेंगे ये, यहाँ पे ट्रिपल डालेंगे, इसको देख सकते हैं, ये जा रही है मेरी सिंगल, क्योंकि हमारी फिर क्या होगा कि सारी कॉइलें ट्रिपल हो जाएंगी इसमें, स्टार्टिंग सारी स्लॉटें ट्रिपल हो जाएंगी, स्टार्टिंग रनिंग, ये मेरी सिंगल चले गई है। अब मैं इसमें डबल डालता हूँ, ये मेरी डबल चली गई है, और अब ये मेरी लास्ट रह गई जिससे ये मेरी ट्रिपल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, ये लास्ट वाली हम ऐसे मूव करेंगे और इसको ऐसे करके इसमें डाल देंगे, तो ये मेरी लास्ट वाली भी ट्रिपल हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल मेरी कॉइल डल चुकी है। अब मैं इधर भी इसको डाल देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूरी अच्छी तरीके से डल चुकी है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट नज़दीक से, ये इसको देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डाली हुई है। जो हमारी रनिंग की डबल थी उसके ऊपर हमने ये स्टार्टिंग की सिंगल डाली है, और जो इधर की स्लॉट खाली थी उसमें हमने ट्रिपल डाली है। तो हमारी तीनों हो चुकी हैं ट्रिपल ट्रिपल, इस तरीके से हम इसमें डालेंगे। अब मैं ऐसे ही बाकी कॉइलें डाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कनेक्शन के टाइम पे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ये लास्ट कॉइल रह गई है, ये मेरे देख सकते हैं मैंने ये इसमें डाल दी है सिंगल, जो इसकी थी हमारी डबल उस पर सिंगल डाल दी है। अब इस पर तीन टर्ने डालता हूँ फटाफट, और उसके बाद ये हमारी पूरी मोटर वाइंडिंग कम्प्लीट हो जाएगी। दोस्तों इसमें ध्यान वाले वाली देखने वाली एक चीज़ है, या तो आप इधर से टर्ने घुमाओ इस तरीके से, एक ही जगह तरीके से घुमाओ, तो मैं हमेशा इधर से घुमाता हूँ इस साइड से इधर को, तो ये ना करें कि कोई इधर से घुमा दें कोई इधर से घुमा दें, तरीका सिर्फ एक ही रखें, एक ही साइड से इसको घुमाएँ सारी कॉइलें। तो मैं सारी कॉइलें इस तरीके से घुमा रहा हूँ इधर से इधर की तरफ, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ना कि मैं इसका उल्टा घुमा रहा हूँ कि आधी इधर डाल रहा हूँ, सारी मेरी एक ही तरफ से डली हैं कॉइलें ये। ये मेरी तीसरी भी डल चुकी है सलाट में,
ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारी रनिंग स्टार्टिंग दोनों ही कॉइलें डल चुकी हैं। ये अब हम इसको बांध लेते हैं फटाफट। ये हमारे सारे कनेक्शन हैं इसके, ये इनको करेंगे हम कनेक्शनों को। पहले हम सबसे पहले इसके पीछे का बांधेंगे ताकि हमारे अगर कोई तार आगे को खिंच गई तो पीछे खींचने बांधने टाइम टूट ना जाए, इसलिए हम हमेशा पीछे का बांधेंगे। इस पर हम नाप नूप ले लू करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके चार ये कट कर लिए हैं पेपर यहाँ पे। ये अब हम इन पेपरों को इधर को फंसा देते हैं स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में ताकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना रहे। अगर कोई वायर हमारी डालने टाइम छिल गई हो तो ये रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना होए। ये मेरी डल चुकी है दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये हमारा धागा और वो बना रही है तार से मैंने इसको बांधने के लिए सुई, ये देख सकते हैं मैं इसको बांधता हूँ। देख सकते हैं ये मेरी यहाँ पे बच चुकी है। अब हम इसको पूरा राउंड शेप में बांध लेते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूरी मोटर बंद करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देख लें कोई पेपर ऊपर हमारा साइड तो नहीं हो गया, सब ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मोटर बंद करके एकदम तैयार हो चुकी है। और एक चीज़ बहुत जानकारी वाली चीज़ ये बता दूँ मैं इसमें कि जब भी ये बनाए मोटर अपनी, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे स्क्रू हो गए यहाँ पर, जब हम अपना इसमें पेंच गुद डालते हैं कसने के लिए तो इनको हमेशा यहीं पर रखे कॉर्नर पर, ना कि यहाँ पर ले आए बीच में। कभी कभी क्या होता है कॉइल बाहर निकलती है और हमारा होल यहाँ पर को होता है तो इसमें टच होता है तो करंट आता है इससे। तो आप इसको क्या करें, या तो यहाँ पर ले आएँ या यहाँ पर को ले आएँ थोड़ा इसी के आसपास। मेरा ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गलत हो रखा है, यहाँ पर आ चुका है थोड़ा, मैं एक यहाँ पे और लेता तो थोड़ा इधर पे वो आता, तो ये भी ठीक ही है। यहाँ से नहीं टच होगा इससे क्योंकि ये यहाँ पे का हिस्सा हमारा अंदर होता है, ये हिस्सा बहुत बाहर होता है। तो अब हम आते हैं कनेक्शन की तरफ को, तो मैं इन सबको खोल लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये, और मैं यहाँ पे को थोड़ी सी इनको सही पोजिशन पर लाने की कोशिश करता हूँ कॉइलों को।
ये आ चुकी हैं, देख सकते हैं। अब मैं इसकी रनिंग और स्टार्टिंग अलग अलग कर देता हूँ, कौन सी स्टार्टिंग है कौन सी रनिंग है करके। ये सारी तारें हमारी स्टार्टिंग है, ये और यहाँ की सारी हमारी ये रनिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी रनिंग है और ये सारी हमारी स्टार्टिंग है। अब हम इसको जला करके इसकी वार्निश साफ़ करके फिर कनेक्शन करते हैं।